नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं आपका साथी धर्मराज यादव और आप देख रहे हैं धर्मराज क्रिएशन चैनल, जो एक एजुकेशनल चैनल है। इसमें वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी होती हैं या जितने भी ट्रीटमेंट जो प्रोसेस होते हैं उसको सरल शब्दों में बताया जाता है। तो आज हम बात करेंगे एनएरोबिक फिल्टर रिएक्टर के बारे में, जो वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने का एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। यह रिएक्टर वेस्ट वाटर में मौजूद ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से डाइजेस्ट करता है या तोड़ता है। यह कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरे डिटेल से बताएंगे कि एनएरोबिक फिल्टर रिएक्टर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर और डिजाइन कैसी होती है, इसकी वर्किंग और प्रिंसिपल क्या होती है, इनकी जो प्रोसेस होती है उसमें कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, कितने टाइप के एनएरोबिक फिल्टर रिएक्टर होते हैं, इनका स्टैंडर्ड ऑपरेशनल डाटा क्या होता है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए, और लास्ट में हम लोग जानेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ लर्निंग मिलती है, इस चैनल से अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट की हो, तो प्लीज अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और समझते हैं एनएरोबिक फिल्टर रिएक्टर के बारे में। तो आइए एनएरोबिक फिल्टर रिएक्टर के बारे में समझते हैं। एनएरोबिक फिल्टर रिएक्टर को शॉर्ट में EFR भी बोला जाता है। तो एनएरोबिक फिल्टर रिएक्टर एक प्रकार की वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है, जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग करती है वेस्ट वाटर के अंदर से ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को ब्रेक करने के लिए या डाइजेस्ट करने के लिए, जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि एनएरोबिक फिल्टर रिएक्टर में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल होते हैं जिनको सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। यह रिएक्टर ऐसे वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है जिसमें ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, जैसे कि इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर सोर्स से उत्पन्न वेस्ट वाटर। इस प्रोसेस में बायोगैस प्रोड्यूस होता है जिसमें मुख्य रूप से मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिससे इसे एनर्जी रिकवरी का एक अच्छा विकल्प माना जाता है। अब एनएरोबिक फिल्टर रिएक्टर के स्ट्रक्चर और उसके डिजाइन के बारे में समझ लेते हैं। तो एनएरोबिक फिल्टर रिएक्टर का जो स्ट्रक्चर है वो टैंक जैसा होता है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। इसके अंदर फिल्टर मीडिया भरी जाती है। फिल्टर मीडिया जो प्लास्टिक या ग्रेवल्स की हो सकती है, तो अलग अलग तरह की पैकिंग होती है। एनएरोबिक फिल्टर रिएक्टर के अंदर जो फिल्टर मीडिया डाली जाती है वो एनएरोबिक बैक्टीरिया के बायोफिल्म को ग्रोथ करने में सपोर्ट करती है। यानी कि ये जो फिल्टर मीडिया है ये बायोफिल्म को ग्रोथ करने के लिए एक सरफेस एरिया प्रदान करती है। अब इसके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, इनलेट और आउटलेट। तो इनलेट के द्वारा जो वेस्ट वाटर होती है वो सिस्टम के अंदर आती है, और जो आउटलेट पॉइंट के द्वारा जो अपना जो ट्रीटेड जो वाटर होता है वो इससे डिस्चार्ज होता है। इसके बाद आता है फिल्टर मीडिया। तो फिल्टर मीडिया जैसे कि मैंने आपको बताया, वो प्लास्टिक हो सकती है, ग्रेनुअल्स हो सकती है, या इससे रिलेटेड कोई और मटेरियल हो सकती है, जो बायोफिल्म को बनाने के लिए एक सरफेस एरिया प्रदान करती है। इसके बाद बात करते हैं गैस आउटलेट की। तो पूरे प्रोसेस के दौरान जो गैस जो प्रोड्यूस होती है, जिसको मैंने आपको बताया था कि बायोगैस इसे प्रोड्यूस होती है, तो बायोगैस में मुख्य रूप से मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो उसको निकलने के लिए भी एक पॉइंट होता है। तो FR रिएक्टर के स्ट्रक्चर को और इसके डिजाइन को आप इस इमेज के द्वारा समझ सकते हैं, जो कि आपको डिस्प्ले के ऊपर दिखाया जा रहा है। तो अब एनएरोबिक फिल्टर रिएक्टर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में समझते हैं, यानी कि इसके कार्य करने के सिद्धांत के बारे में समझते हैं। तो एनएरोबिक फिल्टर रिएक्टर एनएरोबिक कंडीशन में कार्य करता है, यानी कि एनएरोबिक फिल्टर रिएक्टर को पूरे प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसको एनएरोबिक फिल्टर रिएक्टर बोलते हैं। जैसे ही वेस्ट वाटर को एनएरोबिक फिल्टर रिएक्टर के अंदर फीड किया जाता है, तो एनएरोबिक फिल्टर रिएक्टर के अंदर क्या भरा है, फिल्टर मीडिया, और फिल्टर मीडिया के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बायोफिल्म। अब बायोफिल्म बनी होती है एनएरोबिक बैक्टीरिया से, और एनएरोबिक बैक्टीरिया को फूड के लिए क्या चाहिए, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल। तो देखिए होता क्या है पूरा सिस्टम में, जैसे ही हम लोग वेस्ट वाटर को सिस्टम के अंदर फीड करें, तो वेस्ट वाटर के अंदर क्या होती है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिसको हमको डाइजेस्ट कराना होता है, और ऑर्गेनिक जो मटेरियल है वो किसका फूड है, वो है अपने
एनारोबिक बैक्टीरिया का। तो जैसे ही जो वेस्ट वाटर है वो फिल्टर मीडिया से होते हुए पास होती है, यानी फिल्टर मीडिया के ऊपर से पास होती है, तो फिल्टर मीडिया के ऊपर होती है बायोफिल्म। अब बायोफिल्म किससे बनी होती है? एनारोबिक बैक्टीरिया से। तो वेस्ट वाटर जैसे ही एनारोबिक बैक्टीरिया के संपर्क में आते हैं तो एनारोबिक बैक्टीरिया वेस्ट वाटर के अंदर मौजूद ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट करना चालू कर देते हैं। और ये जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है ये कई स्टेप में होता है। तो ये जो इसका जो स्टेप है वो है हाइड्रोलिसिस, फिर एसिडोजेनेसिस, फिर एसिटोजेनेसिस, फिर मेथिनोजेनेसिस। यानी कि ये चार स्टेज से होने के बाद ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो मटेरियल है ये बायोगैस में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इस पूरे प्रोसेस को अब हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी रिएक्शन होती है और क्या से क्या बनता है। तो एनारोबिक फिल्टर रिएक्टर में मल्टीपल बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसमें जो फर्स्ट रिएक्शन होती है वो होती है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि वेस्ट वाटर के अंदर जो मौजूद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो मैटर है उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि इसमें जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान सिंपल शुगर, अमीनो एसिड और फैटी एसिड में कन्वर्ट होती है। जो सेकेंड जो रिएक्शन होती है वो होती है एसिडोजिनेसिस। एसिडोजिनेसिस में क्या होती है कि जो सिंपल शुगर और जो अमीनो एसिड है उसको वोलेटाइल फैटी एसिड और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है एसिडोजिनेसिस प्रोसेस के दौरान। जो थर्ड जो रिएक्शन होती है एसिटोजिनेसिस। एसिटोजिनेसिस में क्या होती है कि अपनी जो एसिडोजिनेसिस प्रोसेस के दौरान जो वोलेटाइल फैटी एसिड और जो हाइड्रोजन गैस मिला उसको ही कन्वर्ट कर देती है एसिटिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और अपनी जो लास्ट जो रिएक्शन होती है वो होती है मेथिनोजेनेसिस। मेथिनोजेनेसिस में क्या होती है, मेथिनोजेनिक बैक्टीरिया के द्वारा जो एसिटिक एसिड है उसको कन्वर्ट करती है मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में, और इसी को हम लोग फाइनली बोलते हैं बायोगैस। तो बायोगैस में मेनली क्या होती है, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो अपनी जो पूरी जो रिएक्शन होती है कौन कौन सी होती है, हाइड्रोलिसिस, एसिडोजेनेसिस, एसिटोजेनेसिस और मेथिनोजेनेसिस। अब बात करते हैं एनारोबिक फिल्टर रिएक्टर के टाइप्स के बारे में। तो देखिए एनारोबिक फिल्टर रिएक्टर के फ्लो और बेड के आधार पर इसको कई टाइप्स का बनाया गया है। तो इसमें देखिए फर्स्ट जो टाइप है वो है अपफ्लो एनारोबिक फिल्टर, जिसको शॉर्ट में UAF भी बोलते हैं। इसमें क्या होती है, जो वेस्ट वाटर है वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करती है और इसमें जो बायोफिल्म है और वेस्ट वाटर को कॉन्टेक्ट टाइम अच्छा मिलता है, यानी कि इसमें जो यील्ड भी आपको अच्छी मिलती है। सेकेंड टाइप है वो है डाउन फ्लो एनारोबिक फिल्टर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं DAF। और इसमें क्या होती है, जो वेस्ट वाटर होती है वो डाउन फ्लो में होती है, यानी कि नीचे की तरफ आती है, और इसमें आपको इंश्योर करना होता है कि जो कॉन्टेक्ट टाइम है अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यानी कि इसमें मॉनिटर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। और जब आपको यील्ड कम मिल रही है तो थर्ड जो टाइप है वो फ्लूडाइज बेड रिएक्टर। इसमें क्या होती है कि बेड क्या होती है आपका फ्लूडाइज स्टेट में होती है, और इसमें जो आपको जो ट्रीटमेंट इफिशियंसी है वो काफी अच्छी मिलती है और कॉन्टेक्ट एरिया भी आपको अच्छा से अच्छा मिलता है। तो ये तीन तरह के आपके एनारोबिक फिल्टर रिएक्टर होते हैं। अब एनारोबिक फिल्टर रिएक्टर के स्टैंडर्ड ऑपरेशनल डाटा के बारे में बात करते हैं। तो इसमें देखो जब हम लोग बात करें टेम्परेचर की, तो 32-35 डिग्री सेंटीग्रेड होती है मिसोफिलिक के लिए और 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड होती है थर्मोफिलिक के लिए। हम लोग बात करें हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम, जिसको शॉर्ट में HRT बोलते हैं, इसमें होती है 12-24 आवर, डिपेंड करती है वेस्ट वाटर के कंसंट्रेशन के ऊपर। इसके बाद बात करें ऑर्गेनिक लोडिंग रेट की, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं OLR, तो ये होती है 2-10 kg COD/m³ के अकॉर्डिंग। इसके बाद बात करें हम लोग पीएच लेवल की, तो इसमें जो पीएच लेवल होती है 6.8-7.2 तक। इसके बाद बात करें बायोगैस प्रोडक्शन रेट की, तो इसमें होती है 0.3-0.5 m³ बायोगैस पर kg COD रिमूव्ड। अब बात करते हैं एनारोबिक फिल्टर रिएक्टर के इंपॉर्टेंस के बारे में कि इसको वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए क्यों ये महत्वपूर्ण माना जाता है। तो देखिए फर्स्ट जो कारण है वो है एनर्जी रिकवरी, यानी कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एनारोबिक फिल्टर के द्वारा क्या होती है, बायोगैस प्रोड्यूस होती है जिसमें मुख्य रूप से मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब बायोगैस का हम लोग यूज करते हैं एज ए एनर्जी सोर्स के रूप में। तो जो मान लीजिए अगर हम लोग बायोगैस का यूज अगर कहीं एनर्जी के लिए उपयोग कर रहे हैं तो हमको एक्सटर्नल जो फ्यूल जो लगती है उसको हम लोग बचा सकते हैं। तो पहले तो ये यूज होती है एनर्जी रिकवरी के लिए, इसलिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये हमको बायोगैस क्या है, फ्री में समझ लीजिए मिल लीजिए।
दूसरी क्या है, इफेक्टिव वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो एनएरवी फिल्टर रिएक्टर है ये हाई कंसंट्रेशन वाले वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए स्पेशली ज्यादा इफेक्टिव माना जाते हैं। तो अगर ऐसे वाटर को जिसके अंदर ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट बहुत ज्यादा है, अगर उसको हम लोग ट्रीट नहीं करते हैं तो क्या होगा, ये पूरे इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड करेगा। तो इसलिए भी क्या होती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट के लिए। तीसरी हम लोग बात करें कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि इसको हम लोग अगर यूज करते हैं तो हमारी बहुत सारी बचत होती है। पहले तो इसमें जो ऑपरेशनल जो लागत होती है बहुत ही कम होती है। जैसे कि अगर मान लो आप एरोबिक सिस्टम पे अगर जाते हो वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए, तो उसमें आपको एनर्जी देनी पड़ती है, उसके द्वारा कुछ ऐसा नहीं मिलता जिससे आपको एनर्जी की रिकवरी हो सके, और उसमें आपको केमिकल वगैरह है और जो भी आपकी जो ऑपरेशनल जो कॉस्ट होती है वो भी ज्यादा आती है। तो उनकी तुलना में और एरोबिक सिस्टम की तुलना में देखा जाए तो ये काफी सस्ती पड़ती है और कॉस्ट इफेक्टिव होती है। तो अब बात करते हैं एनारोबिक फिल्टर रिएक्टर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, यानी कि इसके फायदे और नुकसान की। तो पहले हम लोग एडवांटेज की बात करते हैं। तो एनारोबिक फिल्टर रिएक्टर एनर्जी इफिशियंट होते हैं क्योंकि इसमें हमको एरिएशन की आवश्यकता नहीं होती है, और इस प्रकार से कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है कंपेयर टू एरोबिक सिस्टम। पहला अपना जो एडवांटेज है वो क्या है, ये एनर्जी इफिशियंट होते हैं। सेकेंड जो है वो है बायोगैस प्रोडक्शन होता है, तो इसके द्वारा क्या होती है, मेथेन गैस जनरेट होती है जिसको हम लोग एज ए एनर्जी सोर्स के रूप में उपयोग करते हैं, तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। थर्ड है कि हाई ऑर्गेनिक लोड कैपेसिटी होती है। अगर एरोबिक सिस्टम की तुलना में हम लोग देखें तो जो एनारोबिक सिस्टम होती है ये हाई ऑर्गेनिक लोड को बेयर करने में, यानी कि उसको ट्रीट करने में भी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। फोर्थ इसका और एडवांटेज देखा जाए तो इसकी जो स्लज जनरेशन है कम से कम होती है, और एरोबिक सिस्टम की तुलना में देखा जाए तो इसमें जो स्लज जनरेशन है काफी कम होती है, यानी कि रिड्यूस स्लज प्रोडक्शन। तो ये सब इसके कुछ महत्वपूर्ण एडवांटेज है। एनारोबिक फिल्टर रिएक्टर की डिसएडवांटेज की, तो देखिए एनारोबिक फिल्टर रिएक्टर को आपको स्टार्ट करने में, उसको एस्टेब्लिश करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, तो इसका जो स्टार्टअप टाइम है वो काफी लंबा होता है। बात करें तो एनारोबिक फिल्टर रिएक्टर आपका पीएच और टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, यानी कि इसमें पीएच अगर कम या ज्यादा हो गए तब भी दिक्कत है, और टेम्परेचर भी कम और ज्यादा होता है तब भी इसमें प्रॉब्लम आती है। इसके बात करें तो एनारोबिक फिल्टर रिएक्टर के साथ हमेशा ऑर्डर इश्यू बना रहता है, और एनारोबिक फिल्टर रिएक्टर लो पैथोजेंस रिमूवल होते हैं, तो ये इसके कुछ मुख्य डिसएडवांटेज है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि एनारोबिक फिल्टर रिएक्टर क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर और डिजाइन कैसी होती है, इसका वर्किंग और प्रिंसिपल क्या होता है, इसका जो प्रोसेस रिएक्शन किस प्रकार से होती है, एनारोबिक फिल्टर रिएक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, इसके स्टैंडर्ड ऑपरेशनल डाटा क्या होते हैं, इसका वेस्ट वाटर को ट्रीट करने में क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, इससे अगर आपको कुछ लर्निंग मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट की हो, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।